हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ एग हेयर मास्क। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग लिया है और तीन पीसेस नींबू के लिए है। आप अपने बालों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बाल मीडियम से थोड़े छोटे हैं, तो मैं इसमें एक एग ही यूज़ करूँगी और नींबू भी मैंने आधा ही लिया है। मेरी स्कैल्प बहुत ही इची और डैंड्रफ से भरा हुआ है, तो मैं नींबू यूज़ करती हूँ। जिन लोगों के बाल में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मास्क बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी नींबू हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सिल्की शाइनी एक लुक देता है। और नींबू, अगर आप नींबू ऐसे भी यूज़ करते हैं फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं, तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऐड कर लिया है इसमें नींबू और मैं इसे अच्छी तरह से मिलाने वाली हूँ। एग भी हमारे बाल डैमेज्ड बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बाल अगर डैमेज हो जाते हैं, तो अगर हम 15 दिन में 3 दिन अगर हम नींबू या फिर एग को यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रिपेयर हो जाते हैं। जो उसकी डैमेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें और एक चीज़ डालने वाली हूँ। ये हम बचपन में बहुत डालते थे, लेकिन बड़े होते होते ये चीज़ इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं हम। तो ये देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। सरसों का तेल बचपन में तो हमारे मम्मी पापा ने हमें काफ़ी बार, मम्मी ने खास करके, बहुत ही अच्छी तरह से मालिश करती थी। सर में हो या फिर शरीर में, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो आप इस मास्क में ये सरसों का तेल ऐड करके यूज़ कीजिए। तो क्या होता है, हमारे सामने से काफ़ी बारी हमारे बाल पतले हो जाते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। आप इसे सामने से थोड़ा ज़्यादा लगाइए, फिर शैम्पू कीजिए, तो देखेंगे क्या लुक आता है। बहुत ही अच्छा होता है ये। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, फिर इसे यूज़ कीजिए। इस मास्क को आप लोग गाइस यूज़ कीजिए, हफ्ते में एक दिन कीजिए। अगर आप ये सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेमन और एग को यूज़ की मिक्स करके फिर यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा होता है। आप इस मास्क को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब लोग को ये कैसा लगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी मैं इसको लगाने वाली हूँ आज, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए, फिर मुझे बताइए ज़रूर ये कैसा लगा आप सब लोगों को। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आप सब लोगों को यूज़ करके मेरी चीज़ें कैसी लग रही है। और मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिए, मुझे नेल पॉलिश लगाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। थैंक यू।